गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग सर्कुलर मोशंस कंटिन्यू करेंगे। सेकंड लेक्चर, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, जस्ट एक मिनट में रिवीजन, क्या क्या डिस्कस किया था। सो पहले तो हम लोग डिस्कस किए थे काइनेमेटिक्स, और उसको मैंने जस्ट थोड़ा सा थ्योरी बताया और छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर कि तुम उसको खुद से कर सकते हो, है ना। जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वैसा ही यहाँ भी होगा। वहां पे एस लिखते थे, यहाँ पे थीटा लिखेंगे। वहां पे वी लिखते थे वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखेंगे। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो चलो एक आध छोटा सा सवाल कर लेते हैं उस पे। लिखो एक सवाल। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। With angular acceleration alpha that is equal to k into root omega. So हमने यहां पर दिया बच्चों की अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, क्या है, वेरिएबल है। So, और कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे देता हूं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट। मैं पूछूं पहला सवाल, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। दूसरा, लीनियर स्पीड एट एनी टाइम टी। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, फाइंड एंगल रोटेटेड इन टाइम। चौथा सवाल, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, देखते हैं ये कितना बच्चा कर पाता है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन फर्स्ट टी, इन ऐसे लिख लेता हूं, एनी टाइम टी, इंटरवल। एवरेज जब लिख रहे हैं तो इंटरवल रहेगा 0 to t। पांचवा सवाल, व्हाट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन एट एनी टाइम टी। और चौथा, छठा सवाल, नेट एक्सेलेरेशन एट एनी टाइम। इतने सवाल है बच्चों, देखते हैं इसमें ये पूरा लास्ट क्लास जो हम पढ़ाया था वो सब रिवाइज हो जाएगा इसमें। पहला सवाल लेते हैं बच्चों,
फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा दिया हुआ है, तो क्या हम ये वी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगा सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्यों नहीं लगा सकते हैं? बिकॉज अल्फा कॉन्स्टेंट नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। इतना तो सारे बच्चों को समझ में आ गया, बिकॉज तुम अभी टॉप बैच में हो, सारे बच्चों को इतना समझ में आ रहा है। सो हम लोग बेसिक ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा, एंड व्हाट वी विल राइट, डी ओमेगा बाय डी टी, अल्फा दिया कितना है, के रूट ओमेगा, सही लिखा? मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज किया है, इसके कारण दिक्कत हो रही है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि किसी टाइम पे ओमेगा निकालना है, सो व्हाट वी विल डू, ओमेगा अपॉन रूट ओमेगा दैट इज इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेट दिस, इसका इंटीग्रेशन याद होगा। नयन पटेल बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? ओमेगा रेस टू माइनस थ्री बाय टू माइनस वन सॉरी ओमेगा रेस टू वन बाय टू अपॉन वन बाय टू टू ओमेगा टू रूट ओमेगा। जल्दीबाजी में थोड़ा मोड़ा गलती हो जाता है ना। लिमिट पुट करना पड़ेगा, है ना? इनिशियली ओमेगा कितना है, ओमेगा नॉट, किसी टाइम पे ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, रूट ओमेगा माइनस रूट ओमेगा नॉट दैट इज इक्वल टू के इंटू टी बाय टू। पहला सवाल तो सॉल्व कर लिया। अब दूसरा सवाल तो कोई सवाल ही नहीं है। लीनियर स्पीड हमने रेडियस कितना दे दिया है, आर, तो दूसरा इसलिए दिया है कि तुम्हें ये याद हो कि v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इनटू आर, ओमेगा इनटू आर, ओमेगा निकाल लिया तो काम हो गया, तो दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। तीसरा सवाल में पूछा था एंगल रोटेटेड इन एनी टाइम T, देखते हैं क्या हम निकाल पाएंगे क्या। तो थर्ड सवाल इज थीटा क्या होगा, सो वी विल राइट ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, ये एक्सप्रेशन रूट ओमेगा में है तो मैं इसको थोड़ा इधर लेके जाता हूं और ओमेगा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं के टी बाय टू प्लस रूट ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ओमेगा ऐसे, के कांस्टेंट, रूट ओमेगा नॉट कांस्टेंट, टी वेरिएबल, एंड देन ओमेगा को हम लिख लेते हैं डी थीटा बाय डी टी के टी बाय टू प्लस रूट ओमेगा नॉट का स्क्वायर
और आगे भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। डी थीटा का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू और ये सब इंटीग्रेशन तो तुम बहुत ही आसानी से कर लोगे बच्चों। मुझे विश्वास है कि ये इंटीग्रेशन आराम से कर लोगे। आ जाएगा थीटा एंड देन चौथा सवाल फोर्थ क्वेश्चन था व्हाट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। सर सर केटी बाय टू प्लस रूट ओमेगा नॉट क्यूब अपॉन थ्री इंटू टी आएगा ना सर, इंटू टी स्क्वायर आएगा ना। इसको बताता हूं, ये ऐसा है क्या बच्चों की इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा ही है ना ये समथिंग इंटू टी प्लस इतना का होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो अगर सिर्फ टी स्क्वायर होता है तो क्या लिखते टी क्यू बाई थ्री, ये टी का जगह पे एटी प्लस बी के फॉर्मेट में है तो ये भी इंटीग्रेशन मुझे बताना पड़ेगा क्या। मैं लिखता हूं सर, मैं सिर्फ कन्फर्म था सर। हाँ एकदम सही, इतना क्यू बाई थ्री और क्या करना है टी का कोफिशियंट इंटू टी स्क्वायर बाय टू। नहीं नहीं टी का वन बाय टू से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। सही लिखा सार्थक, सही है क्या? हाँ सर मैंने ओपन करके किया। ठीक, लेकिन हाँ ओपन करके करोगे तो वो थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे कर लो तो ज्यादा आसान है ना। आई थिंक मुझे ये ज्यादा आसान लग रहा है और ऐसे बताया था करने के लिए। अनिकेत? यस सर। कहाँ माइनस होगा? थीटा जीरो से थीटा तो यही आ गया थीटा। अब अगर मैं पूछूं कि मुझे निकालना है कि व्हाट इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है बट शायद तुम लोग जानते हो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थीटा है और टाइम टेकन टी है तो थीटा बाई टी। सही लिखा कि नहीं? और इसमें नेक्स्ट सवाल था निकालना है एसी, तो एसी तो बहुत सिंपल सा ओमेगा निकाल लिया था, ओमेगा स्क्वायर आर है ना, लेकिन पूछा था नेट एक्सलेशन। देखते हैं इसको कितने बच्चे समझ पाते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट सवाल था शायद सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सवाल था एसी निकालना क्या होगा। तो ये तो सिंपली ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, चूंकि ओमेगा निकाल लिए थे। सिक्स सवाल था नेट एक्सेशन, तो वो होता है एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर का रूट, नेट एक्सेशन एट एनी टाइम टी। एसी तुम्हें पता है, एटी कितना लिखेंगे टेंजेंशियल एक्सेशन, क्या लिखे थे अल्फा, अल्फा आर, अल्फा आर, लेकिन अल्फा में क्या है ओमेगा है, लेकिन ओमेगा तो हम किसी टाइम पर निकाल लिए थे तो वो किसी टाइम पर ओमेगा पुट कर दोगे तो ये भी निकल जाएगा। एक्सप्रेशंस बड़ा आएगा, डोंट वरी, बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आते हैं आंसर्स।
तो ये बच्चों काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स जो हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में वो हमने समझा दिया। ने एक सवाल लिया वो याद आ गया होगा ये सारे फॉर्मूले सर। हाँ चलो, एक सवाल आया कि सर एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है। तो मैं पहले बात करता हूं सिंपल एक्सेलरेशन। अगर कोई पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वही दोबारा बता रहा हूं, और इधर ही एक्सेलरेशन है, तो हमने बताया था ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी का क्या करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा क्या? नहीं नहीं। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में या जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसका काम है उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करना। मतलब इस एक्सेलरेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एम आई राइट? मैग्नीट्यूड से चेंज कर रहा है। और जो एक्सेलरेशन इधर होगा, ये एक्सेलरेशन अभी हमने जब समझाया था ए परपेंडिकुलर ए पैरेलल, इसका काम होगा इसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना, इसका काम मैग्नीट्यूड चेंज करना नहीं है, है ना? तो ये कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज करता है, ये कंपोनेंट ये करता है। तो अगर सिर्फ पैरेलल है सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर है तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, मतलब इसका दो कंपोनेंट, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में सार्थक, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई नॉन यूनिफॉर्म, और सर्कुलर मोशंस तो है तो डायरेक्शंस तो चेंज होगा ही। तो इस केस में इस पार्टिकल का अगर वेलोसिटी इधर है तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होगा, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और एक वेलोसिटी के अलोंग। तो इसको टेंजेंशियल इसलिए बोला कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्योंकि पाथ के टेंजेंट के डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होता है तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन या जस्ट अपोजिट है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्लियर सार्थक? क्लियर है सर। टेंजेंशियल एकदम फिक्स की क्या है टेंजेंशियल? टेंजेंशियल को हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं टेंजेंशियल को, कि दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसलिए इसको मैंने लिखा था डी मैग्नीट्यूड ऑफ V, इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और पार्टिकल का जो नेट एक्सेलरेशन होगा डीवी बाई डीटी, दिस इज नेट एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेक्टर फॉर्म में लिखा। मुझे पता है ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो ये जो नेट एक्सेलरेशन है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसका एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर का रूट होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ सर। अब बताते हैं हम कि ओमेगा और वी में क्या रिलेशन है। तुमने कहा सर ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, है ना? सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, वी इधर वेलोसिटी है तो ओमेगा ऐसे लिखा। डी ओमेगा बाई डी टी लिखेंगे तो इसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, कि एंगुलर वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है, तो हो जाएगा 1/r इनटू डीवी बाई डीटी। ये बच्चों ये स्पीड था, इसमें डायरेक्शन नहीं है,
तो ये dv by dt यही है, तो ये क्या है 1 by r into alpha, चल at, और ये है अल्फा। तो at और अल्फा में क्या रिलेशन है, at is equal to अल्फा r। तो ये रिवाइज भी हो गया सबको, दूसरी बार पढ़े तो मुझे लगता है कि अब तो याद ही हो गया होगा। क्लियर है सर। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस टू मीटर विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस टू मीटर विथ एंगुलर एक्सेलरेशन 0.1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 0.1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दिया बच्चों, आसान से सवाल होगा। ठीक है, फाइंड लीनियर स्पीड at t is equal to 2 second. Dusra, find tangential axis. Sir, particle rest se start karta hai. Haan, initial velocity 0. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो, फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी विच इज कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, ये निकालना है। तीसरा सवाल, find AC at any time t। चौथा सवाल, find time when net acceleration makes an angle 45 degree with velocity vector। चेतना, what is tangential acceleration? कितना लिखे चेतना? 0.2। 0.2, बहुत बढ़िया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिंपल होता है अल्फा इनटू आर, और अल्फा तो यहां कांस्टेंट है 0.1, आर कितना है 2, सो 0.2, बहुत बढ़िया, सही जवाब। व्हाट इज एसी एट एनी टाइम टी? एसी इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर आर, किसी टाइम पे ओमेगा कितना है
तो 0.1 इंटू टी इसका स्क्वायर इंटू टू दैट इज इक्वल टू 0.02 टी स्क्वायर। अब तीन सवाल तो मैं कह रहा हूं कि सबसे होना ही चाहिए आज इस क्लास में अगर हो तो। सर सर की वैल्यू 2 सेकंड दी है तो हम 0.08 लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं मैंने तो यहाँ कहा लिखा है 2 सेकंड, मैंने तो कहा कि फाइंड एसी एट एनी टाइम टी, ये तो पहला सवाल में पूछा था टी इक्वल टू 2 सेकंड। नयन क्लियर? मुझे लग रहा है अब सवाल आता है इस पे, क्योंकि सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। कहोगे ये तो सर आपने पढ़ाया नहीं, शायद नहीं पढ़ा, देखते हैं पढ़ाया कि नहीं। बच्चों इधर होता है टेंजेंशियल एक्सेशन, इधर है एटी, सेंटीपीटल एक्सेशन इधर है एसी, नेट एक्सेशन किधर होगा? ये रहा नेट एक्सेशन। तो अगर मैं पूछूं कि ये वेलोसिटी भी तो इधर ही है, तो ये एंगल थीटा अगर बना रहा है नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर होगा, तो टाइम थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? टाइम थीटा इज इक्वल टू एसी बाई एटी, एम आई राइट? यस सर। थीटा क्या लिखा है? तो देखो मैंने थ्योरी पढ़ा दिया यहां पे, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निगेटिव रहेगा तो फिर इधर वाला हो जाएगा डायरेक्शन। तो उस केस में अगर 80 इधर जाएगा और मैग्नीट्यूड पुट करोगे तो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, हालांकि वो अपने आप भी आ जाएगा कि 80 अगर निगेटिव है वेलोसिटी अपोजिट है तो ये माइनस साइन होगा, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड। अगर वेलोसिटी इधर रिटार्ड कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, तो वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन भी इधर हो जाएगा बिकॉज एसी इधर और 80 इधर। क्योंकि कह रहा है कि कितने टाइम पे ये 45 डिग्री हो गया, तो टाइम 45 वन हो जाएगा, मतलब एसी इक्वल टू 80 हो जाएगा। 80 निकाल चुके हो, एसी निकाल चुके हो, तो इसका आंसर आ जाएगा। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। और कौन सा पार्ट पार्ट पार्टी किसने पूछा? यस सर। क्या पार्ट, किस पॉइंट पे दिक्कत है पार्ट? सर टी रूट 10 आ रहा है। हाँ। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था तो पूरा। अच्छा डी क्वेश्चन ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो। यस सर। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में हमने बताया कि एक एक्सेलरेशन इधर होगा टेंजेंशियल, वन एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन सेंट्रीपिटल, और नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा, दिस इज नेट ए। सो नेट एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल डायरेक्शन से कितना एंगल बन रहा है थीटा, या कहें कि वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगा v, एंगल मेड बाय एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सो
tan theta is equal to this upon this, AC upon AT. T4 सबस्क्रिप्ट में टी है, ए इंटू टी नहीं है। मुझे पता है मैं किसी बच्चों को बुलाऊंगा नोटबुक देख चेक करने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे इसको लिखे रहते हैं ए इंटू टी। क्लास में मैं घूम के देखता हूं तो ऐसा रहता है। नैन पटेल तुमने तो नहीं लिखा है, ये ए इंटू टी नहीं है, टी सबस्क्रिप्ट में है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ महान बच्चे जनरली लिखते हैं ध्यान से जो नहीं सुनते हैं। बस इतना ही पढ़ा। और हमने बात किया कि अगर सपोज वेलोसिटी इधर है और वेलोसिटी कम हो रहा है, स्पीड इज डिक्रीजिंग, सो इन दैट केस सेंटीपीटर एक्सेलरेशन तो एसी इधर रहेगा बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा और नेट एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा। तो वेलोसिटी और इसके बीच में एंगल ये हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैंने जो लिखा कि टैन थीटा इज इक्वल टू AC by AT, तो ये फॉर्मूला तब भी वैलिड है बिकॉज उस केस में हम क्या कर देंगे कि AT को हम निगेटिव ले लेंगे, तो ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा तो ये एंगल का निगेटिव मतलब यही एंगल आएगा, तो ऐसे कह सकते हैं ये दोनों केस में वैलिड है। वो समझ में आ जाएगा बाद में, डोंट वरी। So, पार्थ पाटिल क्लियर हुआ ये? यस सर। सर बहुत छोटा सा सवाल दिया, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस 1 meter है और एंगुलर पोजीशन एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, और मैंने पूछ दिया कि व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके सर बहुत बड़ी बात है नहीं, ये थीटा दिया हुआ है, इससे मैं ओमेगा निकाल लूंगा और ओमेगा के बाद में अल्फा निकाल लूंगा। -6 BT अल्फा आ गया -6 BT। जब अल्फा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, AT इज इक्वल टू अल्फा इनटू आर। और हर्ट्ज बताएगा, हर्ट्ज बढ़े, फाइंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एकदम 100% आंसर आना चाहिए, फाइंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा फाइंड टाइम व्हेन ओमेगा बिकम्स जीरो। लक्षिका ये दूसरा आंसर तुम्हें बताना है, माइक ऑन करके बता दो। बच्चों काइनेमेटिक्स पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स पार्ट में हमने ये भी डिस्कस किया बच्चों कि अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होगा
इनफैक्ट कह सकते हो उसको, वो डायनेमिक्स पार्ट का है, डायनेमिक्स वाला पार्ट है कि एक्सेलरेशन कितना होगा ये निकालना इफ इट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, एंड दैट इज वी स्क्वायर बाय आर टुवर्ड्स सेंटर, और एक टेंजेंशियल भी होगा। सो पहले हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस की बात करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है वी स्पीड से सर्कुलर पाथ पे, तो इसका एक एक्सेलरेशन है इधर, है नेट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म ले लिया, इसका मास एम है। बच्चों हमने ये बता दिया इसका एक नेट एक्सेलरेशन इधर है, न्यूटन्स लॉ से हम क्या बता सकते हैं कि इस पे एक नेट फोर्स इधर होगा, किधर होगा नेट फोर्स, टुवर्ड्स सेंटर। सो इफ ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ साथ तुम भी लिखो ऑफ रेडियस आर विथ कॉन्स्टेंट स्पीड वी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी नहीं लिखा है, कॉन्स्टेंट स्पीड वी, देन द पार्टिकल विल हैव a net acceleration, that will have an acceleration towards center AC is equal to V squared by R. This implies there will be, क्योंकि acceleration जो है, क्योंकि constant speed है, तो सिर्फ यही है, tangential नहीं है, तो यही net भी है, so there will be a force, net force towards center FC is equal to M, mass of the particle V square upon R. एक net force होगा towards center. कितने magnitude का होगा, तो M into AC, mass into acceleration. That is equal to M V square by R. इतना लिखो. So, एक नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन इतना है, इतना आगे। बच्चों इसी फोर्स को ना बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, टीचर्स भी कंफ्यूज कर देते हैं। सर कैसे कंफ्यूज होते हैं, तो तुम अभी एक सोचते हो कि पार्टिकल पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इधर, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का एक और फोर्स आ गया, जैसे फोर्स टेंशन का हमने पढ़ाया, स्प्रिंग फोर्स पढ़ाया, नॉर्मल फोर्स पढ़ाया, ग्रेविटी का फोर्स पढ़ाया, वैसे ही तुम्हारे मन में आ जाएगा कि और फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई अलग से फोर्स नहीं है, लाइक फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा कोई फोर्स अलग से सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का नहीं है।
इस पे जो फोर्सेस तुमने पढ़ा, चाहे टेंशन हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे ग्रेविटी का हो, ये सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं बच्चों, उस सब का जो रिजल्टेंट इधर होगा, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए m into ac because acceleration ac। तो सारे का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया इतना आया, इसी को नाम दे दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इस सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का फोर्स कोई अलग से नहीं है, जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं, फ्रिक्शन, टेंशन, जो भी होगा, जितने फोर्सेस तुमने देखे, जो भी लग रहा है, उन सबका रिजल्टेंट जो इधर होगा उसका वैल्यू होगा इतना, मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसको नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स। That means when we will draw FBD of a body, जब हम FBD draw कर रहे हैं तो centripetal force नाम का कोई force FBD में नहीं लगाएंगे। तो यहां लिख लो सर, there is no force like friction tension which is named centripetal force। रिजल्टेंट के वैल्यू को बोल दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो सार्थक बोलो। पर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। पर ये सर जो हम टेंशन है, वही जब हम ब्लॉक पर लगाते हैं ना, जैसे कोई चीज रेस्ट पर होती पर हम ये चीज सर्कुलर मोशन पर, सर्कुलर मोशन है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन ना एक टाइप का। एक सेकंड, थोड़ा आवाज तुम्हारे घर में और भी कुछ बात हो रही थी, पूरा क्लियर नहीं हुआ। एक बार और रिपीट करोगे? सर हम फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स कोई ब्लॉक पर लगाते या कोई इस पर लगाते, पर यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड है ना? हाँ, तो ये ब्लॉक पे है ना, ब्लॉक पे ही तो लग रहा है, ब्लॉक मूव कर रहा है, ब्लॉक है, पार्टिकल जो भी है, ये सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है तो इस पे एक इसका एक्सेलरेशन इधर है, एक नेट एक्सेलरेशन इधर है, कितना है? AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, या ओमेगा के टर्म में कहे तो ओमेगा स्क्वायर आर, इतना एक्सेलरेशन है। इसलिए इस पे इधर कितना फोर्स लगेगा? नेट FC जो होगा, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, मास इनटू AC, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर। सो ये क्या है? दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, resultant of all forces acting on the body towards center। ये FC क्या है बच्चों? सारे forces जो लग रहे हैं वो सबका resultant लिया, उसका component लिया इस डायरेक्शन में, और उस कंपोनेंट का रिजल्टेंट जो होगा वही एफ सी है। मतलब मैंने ये कहा कि जब हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे बॉडी का, तो सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का एक फोर्स अलग से बॉडी पे ड्रॉ नहीं करना है। ये चीजें मैं बता रहा हूं, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज और हो जाओगे अभी, लगता है हो गए, लेकिन जैसे ही तुम एक आध सवाल करोगे ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो ये नीचे लिख लेना। व्हेन वी ड्रॉ एफबीडी ऑफ ए बॉडी, डू नॉट ड्रॉ फोर्स नेम्ड सेंट्रीपिटल फोर्स like friction tension,
कहोगे सर आप मुझे तो थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाओ कि क्या है ये। बच्चों एक स्ट्रिंग लो और उसे एक बॉब कोई ब्लॉक उसको बांधो और ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कराओ। मैंने क्या किया ऐसे थोड़ा सा एक डिजाइन बना दिया कि एक स्मूथ टेबल है उस पर एक पार्टिकल है एक स्ट्रिंग यहाँ पे बांधे हुए हो पकड़े हुए इस होल से जा रहा है स्ट्रिंग और एक इन पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है इसका वेलोसिटी v है v दे दिया है और ये ऐसे ऐसे v वेलोसिटी से मूव कर रहा और जस्ट ऐसा दिया कि तुम थोड़ा रियलाइज कर सकते हो कि ऐसे बना लो और उसको वेलोसिटी दे दो। तुम्हें लगेगा तुम्हें स्ट्रिंग पे एक फोर्स पकड़ के एक पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा होल्ड करना पड़ेगा स्ट्रिंग को और ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। अगर मैं पूछूं कि कितना टेंशन तुम्हें लगाना पड़ेगा कितना फोर्स लगाना पड़ेगा तो देखो अगर वी स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे तो इस पे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना चाहिए। नेट फोर्स चाहिए हमें एम वी स्क्वायर बाई आर का क्योंकि ये कौन दे रहा है फोर्स ये टेंशन दे रहा है तो मैं लिखूंगा नेट फोर्स इसका एफबीडी ड्रॉ करूंगा। देखो एफबीडी में कौन कौन सा फोर्स आएगा बच्चों देखना एक हो जाएगा mg देखना ये प्लेट ऐसा है mg नीचे n ऊपर और टेंशन इधर तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो n इज इक्वल टू mg हो जाएगा और रेडियल डायरेक्शन में टुवर्ड सेंटर एक ही फोर्स है टी तो मैंने इधर लिखा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर यहां पे तो एक ही है टी टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन्स लॉ लिखा बट इसी को अब ऐसे बोलते हैं नेट फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इसी को नाम दिया तो इसको लैंग्वेज बोलूंगा कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स इतना का रिक्वायरमेंट है कौन दे रहा है विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग टेंशन इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज द स्टेटमेंट क्लियर। यस सर। सो इसके एफबीडी में कोई हमने सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का फोर्स ड्रॉ किया क्या नहीं ड्रॉ किया FBD में सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स ड्रॉ नहीं किया एंड दिस इज मेजर बहुत सारे बच्चे हमेशा गलती करते हैं और अगर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाया तो बच्चे बोलते हैं सर सेंट्रीपिटल फोर्स ड्रॉ करो ना और फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स अलग से नहीं लग रहा ओके मुझे लगता है मैंने समझा दिया और ये भी बताया कि गलती करते हैं तो तुम्हें थोड़ा सा कॉशियस रहोगे। अगर मैं कह दूं कि v वेलोसिटी जा रहा है बच्चों और कहा कि यहां पे ना एक मास m हैंग कर रहा है तो ये कैपिटल m का वैल्यू क्या होगा ऐसा पूछ दिया मैं तो कहोगे ठीक है ये चूंकि रेस्ट में इक्विलिब्रियम में है तो यहां का टेंशन t इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल एम जी और t इक्वल टू वहां पर लिखा था एम वी स्क्वायर बाई आर That means capital M, mg is equal to a small m v squared by r. Okay, बच्चों, इसको मिटा रहा हूं लोग सेम
सिंपल पेंडुलम पढ़े हो? सिंपल पेंडुलम जानते हो? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। गुड। एक सिंपल पेंडुलम है और उसको क्या किया, थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले जाके छोड़ दिया है और ये ऐसे मूव करके सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, बट फुल सर्किल नहीं कर रहा, सपोज कोई पार्ट है ऐसा। अगर मैं कहूं कि लोएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी वी नॉट है, लोएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी वी नॉट है, तो बताओ इस समय टेंशन क्या होगा, है ना? तो लिखो, ए सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन वर्टिकल प्लेन, ए सिंपल पेंडुलम वर्टिकल प्लेन विथ अब ये वर्ड हो सकता है तुम लोग नहीं जानते हो, एम्पलीट्यूड लिखना नहीं चाहिए, बट तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, एंगुलर एम्पलीट्यूड, बच्चों इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जो मैक्सिमम डिस्टेंस गया, ये सब चीज मैं बाद में पढ़ाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस। एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट इफ इफ एट लोएस्ट पोजिशन स्पीड इज वी नॉट, if at lowest position a speed is v naught and length of a string is l and mass of the bomb mass of the bomb is m, then find tension at lowest position। बच्चों ये बड़ा आसान सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है सीखने के लिए, आईआईटी में ये नहीं पूछेगा बिकॉज ये बहुत ही आसान हो जाएगा, मेडिकल में पूछ सकता है। तो आंसर देना है तुम्हें वी नॉट एल एम इसके टर्म में। सो व्हाट यू विल डू, तुम कहोगे सर इसमें फोर्सेज कौन कौन सा लग रहा है, तो एक लग रहा होगा एम जी, एक लग रहा है टी, क्या इसके अलावा और कोई फोर्स है इस पे? नो नहीं। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं ड्रॉ करने, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स अलग से लगता ही नहीं है यार, है ही नहीं फोर्स, यही दो फोर्स है। अब कहेंगे चूंकि ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कितने रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, एल रेडियस के, तो मैं कहूंगा इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, टूवर्ड्स होगा, मतलब इधर एक नेट फोर्स इधर होगा, तो नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू टी, टी ऊपर एम जी नीचे, इसको बोल सकते हैं नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल को से मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल,
सो बच्चों हो गया T इज इक्वल टू एम जी प्लस दिस इज योर आंसर. मतलब टेंशन जो होगा वो एम जी से ज्यादा होगा. अगर बच्चों मैं पूछूं तुमसे कि यहां पे इस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, दूसरा सवाल, व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट लोएस्ट पोजिशन, कोई गेस कर सकता है? मैं हिंट देता हूं, एक ऑप्शन जीरो भी है. What is tangential acceleration at lowest position? बच्चों इस पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है. जब इधर कोई फोर्स नहीं है, है क्या? इधर mg इधर, तो tangential acceleration will be zero. तो इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूं कि नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, तो इधर होगा नेट एक्सेलरेशन. अगर मैं पूछूं कि एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं बच्चों अगर ऑसिलेट करा तो दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन. मैं पूछूं एट एक्सट्रीम पोजीशन, कैन यू गेस कि यहां पे वेलोसिटी क्या होगा? जीरो. जीरो 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 होगा. एंगुलर वेलोसिटी जीरो, लीनियर वेलोसिटी जीरो. अदरवाइज अगर वेलोसिटी होता तो और ऊपर जाता है ना, एक्सट्रीम नहीं रहता. तो ये वेलोसिटी घटते 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 जीरो हो जाएगा. ये प्रैक्टिकल तो तुम जानते ही हो. अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे व्हाट इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, व्हाट इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, कहोगे सर जीरो. जीरो क्यों? क्योंकि वी नहीं है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा. व्हाट इज वेलोसिटी हियर? जीरो. तो क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर. वी क्या है यहां पे? जीरो. सो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जीरो. इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अपने नोटबुक में लिखो, एट एक्सट्रीम पोजिशन व्हाट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, आंसर लिखोगे जीरो. सब लोग लिखो. एट एक्सट्रीम पोजिशन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, आंसर लिखोगे जीरो. वाई जीरो? चूंकि वेलोसिटी जीरो. इसमें पूछू व्हाट आर द फोर्सेस, यहां पे मैं मिटा रहा हूं. एक्सट्रीम पॉइंट पे मैं एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं एंड द फोर्सेस आर कैपिटल एम जी, सॉरी स्मॉल एम जी वर्टिकली एंड टेंशन लेट्स में ले लेता हूं टी डैश. टेंशन इज टी डैश. और ये थीटा नॉट एंगल है. अब ये दो फोर्स है बच्चों, मुझे एक चीज बताओ कि मैं फोर्सेस को अगर रिजॉल्व करना है, मुझे टी डैश निकालना है कि व्हाट इज टी डैश. मैं फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करूं? मैंने न्यूटन्स लॉ स्टार्ट किया था टुवर्ड्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू सेंटर. क्यों ऐसा रिजॉल्व करें शिवम? अलोंग द स्ट्रिंग. अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू अ स्ट्रिंग. बहुत बढ़िया सार्थक और शिवम, दोनों ने सही बताया. लेकिन व्हाई, क्या फायदा होगा हमें? लेकिन सारे फोर्स उस पे ही लग रहे. नहीं, फोर्सेस तो लग रहे हैं दो. हम तो कह रहे कि नहीं, मुझे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करते हैं सर. नेट एक्सेलरेशन उधर है तो इजी होगा. बहुत ही बढ़िया, शिवम ने बताया कि सर इधर नेट फोर्स जीरो, ये मुझे पता है, इधर एक्सेलरेशन जीरो है.
वी नो दैट इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मुझे पता है, इस डायरेक्शन मुझे पता है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, दैट्स व्हाई वी विल प्रेफर टू रिजॉल्व। और कोई डायरेक्शन मुझे नहीं क्लैरिटी से पता है कि क्या होगा, बट मुझे ये पता है कि इधर तो एक्सेलरेशन जीरो है। सो mg को रिजॉल्व करेंगे, और ये चीज जो मैं बता रहा हूं ऐसे कोई नहीं समझाता है, बिलीव मी। और ये चीज समझ में आ गया तो तुम्हें फिजिक्स बहुत मजा आएगा। व्हाई वी विल रिजॉल्व फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन, mg को रिजॉल्व करते हैं, इधर हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर हो जाएगा mg sin थीटा। रिजॉल्व कर लिया। अब हम कहेंगे कि अलोंग द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, सो वी विल राइट टी डैश माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। सो ये बच्चों आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अभी मैं समझा रहा हूं, क्योंकि ये बच्चे स्ट्रगल करते हैं हमेशा, ट्वेल्थ में जाने के बाद भी यहां तो गड़बड़ करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। जब रिविजन लेता हूं तो मैं इसको बार बार समझाता हूं, टी डैश इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज टेंशन एट दिस पॉइंट, तो कहोगे टी डैश इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। क्लियर? इस मोमेंट पे टेंशन। यस सर। मैं पूछूंगी व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट दिस मोमेंट, एटी। सारे बच्चे लिखेंगे तो तुम कहोगे सर टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, एम जी का कंपोनेंट जी साइन थीटा। तो एटी हो जाएगा जी साइन थीटा, है ना? और मैं बताता हूं तुम लोगों को, कहोगे सर आपने तो बहुत छोटा सा सवाल है, क्यों ऐसे ही बोलते रहते हो, कोई भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कुछ भी बोल देते हो आप। तो मैं बताता हूं कि कैसे क्यों बोलता हूं। कहोगे अच्छा यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है ना? हाँ वेलोसिटी जीरो है, अभी तो इस मोमेंट अर्ली रेस्ट में है। तुम क्या करते हो, ये एंगल थीटा हो गया, तुम लिखते हो टी डैश कॉस थीटा इधर और एम जी इधर, एंड यू राइट टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एंड यू राइट टी डैश इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा। एक ऑप्शन तो ये रहेगा, तो अगर टी डैश इतना होगा, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस, व्हाई दिस इज रॉन्ग? क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जीरो नहीं है। बहुत ही बढ़िया साइमा लगता है, बताइए। क्योंकि हमने जो ऐसे ले लिया, इधर ले लिया नेट फोर्स, और लिख दिया अपने मन से कि नेट फोर्स जीरो है, अपने मन से मान लिया कि इधर एक्सेलरेशन जीरो, इधर है क्या, कैसे बताएंगे कि इधर एक्सेलरेशन जीरो है? एक्सेलरेशन एक्चुअली पार्टिकल का इधर है, अभी हमने देखा। अगर इधर है तो इसका इधर कंपोनेंट है, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज रॉन्ग। लेकिन तुम कहोगे सर आपने तो ऐसा किया था, मैंने ऐसे सवाल करवाया था, लेकिन मैंने ऐसे बताया था। मैं न्यूटन्स लॉ पढ़ाने में जब स्टार्ट किया था तो मैंने ये करवाया था, कहा था बताओ टी डैश क्या है, ये एंगल थीटा है, बताओ टी डैश क्या है, मास एम है, और मैंने रिजॉल्व किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज इसको जरूर समझ लो एकदम अच्छे से, कि मैंने ये करवाया था और मैंने कहा था व्हाट इज टी डैश, तो ये एंगल थीटा, मैंने रिजॉल्व किया था टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहां इसलिए लिखा था कि ब्लॉक यहां पर रेस्ट में, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो है, ब्लॉक कहीं मूव नहीं कर रहा, यह स्ट्रिंग बांध रोक के रखे हुए है। तो नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में जीरो है, तुम्हें जिधर रिजॉल्व करना है रिजॉल्व कर लो, बट
अगर स्ट्रिंग को कट कर दिया तो जैसे ही कट किया ये ब्लॉक अब वहीं पे नहीं रहेगा, ये मूव करना शुरू करेगा और ये ऐसे मूव करके ऐसे आएगा। तो सवाल ये होता है बच्चों, सुनना एकदम ध्यान से लास्ट पॉइंट, कि ये सिचुएशन है और कहे कि बिफोर कटिंग दिस स्ट्रिंग, बिफोर कटिंग दिस स्ट्रिंग, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग विल बी mg by cos theta, करेक्ट स्टेटमेंट। और जस्ट आफ्टर कटिंग, जब इसको कट कर दिया, जस्ट आफ्टर कटिंग व्हाट इज टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग विल चेंज एंड इट बिकम्स mg by mg cos theta। जस्ट बिफोर कटिंग कुछ है टेंशन, जस्ट आफ्टर कटिंग कुछ और हो गया। टेंशन जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर में क्या हुआ है, बढ़ा या घटा है? क्या हुआ है चेतना, पहले जस्ट बिफोर कटिंग और जस्ट आफ्टर कटिंग में टेंशन क्या हुआ है? घटा है। पहले mg से ज्यादा था टेंशन इस स्ट्रिंग का, इस स्ट्रिंग का, और अब कट करने के बाद mg से कम हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या आज? यस।